भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर की लड्डू प्रसाद इकाई और निःशुल्क अन्य क्षेत्र की भोजन प्रसादी के स्तर को 5-स्टार रेटिंग के दर्जे में शामिल कर शनिवार को प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर लड्डू प्रसाद के क्षेत्र में 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का पहला धार्मिक संस्थान बन गया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने 5-स्टार रेटिंग मिलने से खुशी जाहिर की और कहा कि लड्डू प्रसादी के और भी काउंटर हम जल्द ही शुरू करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी अब लड्डू प्रसाद के काउंटर शुरू करेंगे। उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी लड्डू प्रसादी को 5-स्टार रेटिंग मिलने से शहरवासियों को महाकाल प्रबंध समिति को बधाइयां दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंदिर प्रशासन को 5-स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र भी प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया। अब संपूर्ण भारत में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति लड्डू प्रसाद के क्षेत्र में हाइजेनिक उत्कृष्टता में 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम धार्मिक संस्थान है। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मंदिर की व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण एवं लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई एवं अन्य क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लड्डू प्रसाद एवं अन्य क्षेत्र में गुणवत्ता, स्वच्छता एवं शुद्धता बनाए रखने की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। इसका परिणाम यह है कि विगत दिनों FSSAI की टीम ने उक्त दोनों इकाइयों में विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण कर ऑडिट किया और मूल्यांकन के बाद दोनों इकाइयों को उत्कृष्ट माना गया। देखिए, निश्चित रूप से जो महाकाल लड्डू प्रसादी है और अन्य क्षेत्र है, दोनों का जो सर्वे FSSAI के द्वारा हुआ था, भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा, और उसमें दोनों में न केवल 5-स्टार रेटिंग आई है बल्कि ऐसा करने वाला प्रथम मंदिर महाकाल मंदिर बना है और बाबा महाकाल की कृपा से संभव हुआ है। पूरे मंदिर प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ और जितनी भी मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, जो हमारा विस्तारीकरण का कार्य है, हम लोग इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि मंदिर को न केवल श्रद्धा का बल्कि पर्यटन का और एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया जाए, जिससे कि उज्जैन को न केवल पर्यटक प्राप्त हों, आय प्राप्त हो, बल्कि यहाँ के जीवन स्तर में सुधार भी हो सके।